चैनल को सब्सक्राइब करें तथा उसके बगल के बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियो का अपलोड आपको प्राप्त हो सके। नमस्कार दोस्तों, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश बाय विकास सर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा ये क्लास वर्ड से रिलेटेड है। आज हम लोग वर्ड पे काम करेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि एक वर्ड के कई कई मीनिंग होते हैं और आप और हम अगर एक वर्ड के अनेकों मीनिंग को नहीं जानते हैं तो अक्सर क्या होता है कि अगर स्टेटमेंट में किसी दूसरे सेंस में उसी वर्ड का यूज कर दिया जाता है तो फिर हम उसके मीनिंग को नहीं समझ पाते, स्टेटमेंट की मीनिंग को नहीं समझ पाते हैं। अक्सर ये सुनने को मेरे को आता है, मैं अक्सर सुनता हूं कि लोग बोलते हैं कि इस स्टेटमेंट यूज किए गए हर वर्ड के मैं मीनिंग को जानता हूं फिर भी इस स्टेटमेंट की मीनिंग तक मैं नहीं पहुंच पाता हूं। लेकिन एक बात गलत है, आप स्टेटमेंट में यूज किए गए हर वर्ड के मीनिंग को जरूर जानते हैं लेकिन हर वर्ड के हर मीनिंग को नहीं जानते हैं। एक एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं, आप उसके सिर्फ एक पॉपुलर मीनिंग को जानते हैं, बाकी मीनिंग को आप अवॉइड कर देते हो। लेकिन आपको जानना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि अंग्रेजी आपकी अच्छी हो। तो वैसा ही एक वर्ड आज मैंने आपके लिए चुना है, वर्ड है बट। बट का मतलब क्या होता है, हर कोई जानता है लेकिन या परंतु। लेकिन देखिए उसका मैं एक और मीनिंग बताऊंगा, शायद आपको पता हो, नहीं पता हो तो चलिए सीखते हैं। तो बट का एक मतलब क्या होता है मित्रों, लेकिन। तो हमने स्टेटमेंट में क्या लिखा, आई एम प्लेइंग बट सोनू इज रीडिंग। तो आई एम प्लेइंग का मतलब होता है मैं खेल रहा हूं, बट सोनू इज रीडिंग का मतलब होता है परंतु सोनू पढ़ रहा है। उसी प्रकार एक स्टेटमेंट है, ही इज अ डॉक्टर, वह डॉक्टर है, बट हिज ब्रदर इज अ फार्मर, परंतु उसका भाई किसान है। फिर आगे बट, और बट के अगले मीनिंग पर आते हैं। बट का एक मीनिंग होता है को छोड़कर या फिर के अलावा या के सिवाय, किसी भी सेंस में इसको आप निकाल सकते हैं। तो चलिए यहां पर देखिए आप, ऑल का मतलब होता है सभी, केम का मतलब आया, टू सी मी का मतलब मुझसे मिले या मुझे देखने। तो अब जब हम इस स्टेटमेंट की मीनिंग पर आएंगे तो हमें पता क्या चलेगा, ऑल। चलिए थोड़ा देर के लिए मैं बट राजू को स्किप करता हूं और आते हैं यहां पर ऑल केम टू सी मी। All came to see me का मतलब क्या हो गया कि सभी मुझसे मिलने आए। All came to see me का मतलब क्या कि सभी मुझसे मिलने आए। और बट राजू लिख दिया यहाँ पर, तो आप समझते हैं सभी मुझसे मिलने आए परंतु राजू, और यहाँ पर आप कंफ्यूज कर जाते हैं, आप कंफ्यूजन में आ जाते हो। लेकिन नहीं, बट का मतलब वो के सिवाय, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ और बट राजू, इसका मतलब सभी राजू को छोड़कर मुझसे मिलने आया। सभी मिलने आया, सिर्फ कौन नहीं आया, राजू नहीं आया। फिर अगले स्टेटमेंट में आ जाइए, एवरी गर्ल बट सोनिया इज गुड। एवरी गर्ल इज गुड, इसका मतलब हो गया एवरी गर्ल इज गुड का मतलब क्या हो गया कि प्रत्येक लड़की अच्छी है। लेकिन जैसे ही स्टेटमेंट में आ गया एवरी गर्ल बट सोनिया, इसका मतलब प्रत्येक लड़की बट सोनिया, मतलब सोनिया को छोड़कर के अच्छी है। प्रत्येक लड़की अच्छी है, सिर्फ कौन अच्छी नहीं है, सोनिया अच्छी नहीं है। इच बट रमेश इज बैड, इच इज बैड, इच इज बैड का मतलब की प्रत्येक खराब है, बट रमेश यानी रमेश को छोड़ करके। तो बट का एक मतलब को छोड़ करके और के अलावा होता है। अगर बट के इस मीनिंग को नहीं जानेंगे तो आप ऐसे स्टेटमेंट्स के सही मीनिंग तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसे जरूरी है कि किसी भी वर्ड के जितने भी फंक्शंस हो तो उस फंक्शंस को आप जानने की कोशिश करें। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, आज की क्लास में बस इतना ही। फिर मिलते अगली क्लास में कोई नए टॉपिक और नए वर्ड या किसी भी और की चीज के साथ। तो तब तक दीजिए विकास कुमार को इजाजत, और तब तक देखते रहिए आप इस वीडियो को, और अगर देखते रहिए इस वीडियो को और इसको सीखिए जब तक कि अगला क्लास में ना आ जाऊं, मैं अगली क्लास में आपके साथ ना आ जाऊं तब तक।